हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। देखिए, आज मैं आपको ये बहुत ही सुंदर और आसान तोरण बनाना बताती हूँ। सो प्लीज़, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए आने वाले नए नए वीडियोस देखने के लिए। तो देखते हैं इसे किस तरह से बनाया है। देखिए, सबसे पहले मैंने ये 12 नंबर का क्रोशिया लिया है और सबसे पहले मैं पट्टी बनाना बताऊंगी। और इसे इस तरह से एक फंदा डालकर इस तरह से ये 15 की हमने चेन बनाई है सबसे पहले तरह से। देखिए, 15 की चेन बना ली है और इसे इस तरह से डबल करके क्रोशिए को इस तरह से और ये पीछे वाले होल में इस तरह से इसे इस तरह से निकाल लेना है। देखिए, यहाँ पर ये 3 फंदे हो गए हैं। हमने इस तरह से वापस इस तरह से निकाल दिया है। फिर उसी तरह से तरह से अब ये दोनों को निकालना है और एक को छोड़ना है। इस तरह से ये पूरी चेन को इसी तरह से हमें बनाकर कंप्लीट कर लेना है। तरह से देखिए, हमने ये पहला राउंड बनाकर कंप्लीट कर लिया है और ये दूसरा राउंड भी बिल्कुल इसी तरह से बना लेना है। इस तरह से और ऐसे ये इस तरह से हमने ये 4 या 5 राउंड बना लेने हैं। इस तरह से तरह से देखिए फ्रेंड्स, हमने ये इस तरह से 5 राउंड बना लिए हैं और इसे इस तरह से इसके बीचों बीच एक डिजाइन बनाकर बताऊंगी। देखिए, सबसे पहले मैंने इधर से ये 7 होल इधर से बुन लिए हैं। दो, 3, 4, 5, 6, 7। देखिए, 7 इधर से बुन लिए हैं और ये जो अगला 8वां है, 8वां होल, इसमें मैं ये डिजाइन बनाकर बताऊंगी। देखिए, सबसे पहले ये थोड़ा ढीला धागा करा है ये वाला इस तरह से और ये अगले होल में ये 4 या 5 बार
निकाल लेना है डबल 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 क्रोशिया करके, ये डबल धागे करके इस तरह से, तो इसका एक अच्छा सा डिजाइन बन जाएगा। इस तरह से और ये इस तरह से निकालते रहना है हर बार। देखिए फ्रेंड्स, ये इस तरह का डिजाइन बन गया है। और ये अगले जो 7 फंदे हैं इन्हें भी इसी तरह से बना लेना है, इस तरह से। ये वो डिजाइन है जो मैंने अपने पिछले वीडियो में बनाना बताया हुआ है। और ये जब पूरी पट्टी पर पट्टी बन जाएगी तो ये डिजाइन बहुत अच्छा लगेगा, इस तरह से। ये मैं दोबारा डिजाइन बनाकर बता रही हूँ, देखिए। ये बस ये खोल में से 4-5 बार निकाल लेना है तो डिजाइन अच्छा बन जाएगा, इस तरह से। और ये बाकी के फंदों को इसी तरह से बना लेते हैं। और ये बाकी ये इस तरह का डिजाइन डाल डाल कर ये पट्टी को हम कंप्लीट कर लेते हैं। ये इस तरह का डिजाइन है, ये बहुत अच्छा है। देखिए मेरी ये पट्टी बन करके कंप्लीट हो गई है। और ये देखिए कितना अच्छा डिजाइन लग रहा है बीचों बीच। ये बनाना भी आसान है। और फिर मैं ये दूसरे कलर की ऊन से ये कॉर्नर पर ये किनारी पर लहस लगाना बताती हूँ। ये लहस लगानी भी बिल्कुल आसान है, इस तरह से। और ये एक होल में से 2 बार निकाल लेना है तो ये बहुत अच्छी अच्छी लगेगी पट्टी, इस तरह से। एक दो बार हर होल में से निकालते रहना है तो इसका भी एक अच्छा डिजाइन बन जाएगा और अच्छी दिखेगी, इस तरह से। देखिए ये मैं पूरी किनारे पर ये इसी तरह की किनारी पर ये इसी तरह की लेस लगा देती हूँ। देखिए मैंने ये इस तरह की लेस लगाकर ये पट्टी को कंप्लीट कर लिया है। देखिए ये मेरी पट्टी कंप्लीट हो गई है, इस तरह से। और अब मैं ये पट्टी पर
लगाने के लिए डिजाइन बनाना बताती हूँ। देखिए सबसे पहले मैंने ये धागों को इस तरह से लपेट लिया है जिस तरह से हम फूल बनाते हैं, और यहां से इसे कट कर दिया है, और ये बीचों बीच इधर से भी कट कर लेना है और बीचों बीच इधर से भी कट कर लेना है, यानी कि दोनों साइड से इस तरह से कट कर लिया है। और ये फिर हमने अलग से धागा लिया है, और इसे इस तरह से फंदा डालकर इस तरह से दो की सबसे पहले दो फंदे निकाल लेने हैं, और ये फंदे की इधर साइड में ये जो कटे धागे हैं ये 6 या 8 धागे फंदे की साइड इस तरह से रख लेने हैं बीचों बीच, और इसे इस तरह से दबाकर इस तरह से निकाल लेते हैं फिर 2 बार सिंगल क्रोशिया इस तरह से, फिर इसी तरह से धागे बीचों बीच यहाँ पर फिर इसी तरह से निकाल लेना है 1-2 बार, और ये इसी तरह से पूरे को इसी तरह से लगाते रहना है धागे को, और इसी तरह से हर बार निकालते रहना है इस तरह से। और इसकी ए हमें लटकन बना लेनी है, इस तरह से देखिए और ये धीरे धीरे इसी तरह से हमें पूरी को कंप्लीट कर लेना है इस तरह से। देखिए इस तरह से हमें इसे कंप्लीट कर लेना है। इस तरह से देखिए मैंने इस तरह से इसे लटकन को बना लिया है। देखिए ऐसी मैंने 3 इधर वाले हिस्से में और 3 इधर वाले हिस्से में देखिए बीचों बीच यहाँ पर एक हमने धागा बांध दिया है ताकि ये बीचों बीच अच्छी आए, और ये सबसे बड़ी लटकन हमें यहाँ पर ज्वाइंट कर देनी है इस तरह से। ये फंदे में का निकाल कर ये फंदे से, और ये कॉर्नर पर रख के इस तरह से कट कर दिया है, फिर इसे बराबर करके यहाँ बीचों बीच जो यहाँ पर हमने ये धागा बांधा हुआ है यहाँ पर इसे जॉइंट कर देना है इसी तरह से। सबसे पहले पहले से
इसे निकाल देते हैं और यहाँ पर इसे हम जॉइंट कर देते हैं। और अब यहाँ पर ये सबसे बड़ी लटकन होगी और यहाँ पर ये बीच में ये इससे छोटी और इसके फिर ये उससे छोटी है। हमने तीन लटकन इस तरह से लगा ली हैं गोल करके और अब मैं यहाँ पर लगा देती हूँ इसी तरह की बिल्कुल सेम। देखिए इस तरह से ठीक है। और एक लटकन ये मैं लंबी करके ये लंबी लटकन लगा देती हूँ इधर कोने पे और इधर कोने पे दो और एक बीच में, यानी कि तीन लटकन यहाँ पर लगा देती हूँ तीनों साइड में इस तरह से। देखिए दो और एक यहाँ पर इस तरह से। देखिए इस तरह से। और ये जो यहाँ पर मैं ये फूल लगा देती हूँ बनाकर इस तरह से, सबसे पहले मैं फूल बनाती हूँ ये चारों उंगलियों पर लपेट कर, लपेट लेना है 10-20 बार और इसे इस तरह से टाइट सा बांध लेना है। इस तरह से टाइट करके और यहाँ पर ये मैं इसे दोनों साइड से कट कर देती हूँ और ये बराबर करके इस तरह से कट कर दिया है और इसे तीन फूल यहाँ पर जॉइंट करे हैं जो ये नीचे लटक अभी लटकन लगाई थी लंबी लटकनों में इस तरह से। और ये जो खाली जगह है तीन फूल में यहाँ पर इस तरह से ये दोनों साइड तीन तीन फूल दोनों साइड ज्वाइंट कर देने हैं इस तरह से। और तीन यहाँ पर इस तरह से और देखिए फ्रेंड्स मेरी तोरण बन करके तैयार हो गई है और देखिए सुंदर भी लग रही है। देखिए ये बनाने में बहुत आसान है। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू।